हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी वगैरह सब चल रही होगी। चलिए, आज जो हम एक नई अपडेट लेकर आए हैं वो ये है कि क्या CCS यूनिवर्सिटी है, जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे, क्या इन्हें अपडेट करा है अपने सिलेबस में तो या फिर नहीं करा है। तो CCS यूनिवर्सिटी ने एक नया जो है सर्कुलर कुछ दिन पहले पास कर दिया था। एक पूरी कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने बात करी थी क्या हमें अपडेट करना है और क्या हमें अपडेट नहीं करना है। तो उसमें उन्होंने अपडेट कर दिया है सिलेबस एंड दे हैव इशूड अ न्यू सर्कुलर ऑल्सो फॉर दिस, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 24-25 वाले जो सेशंस हैं उसमें नए क्रिमिनल लॉज अमेंड होंगे। और ऐसा ही नहीं, जो अब तक इशू चल रहा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ कि सिलेबस में तो पुरानी वाली मेंशन थी और एग्जाम में काफ़ी बार 2019 से भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हाँ उसके लिए भी क्या करा है, उसके लिए भी इन्होंने उसके लिए भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ये कहते हुए कि सिलेबस अपडेट हो चुका है। अब बात ये कि कॉलेजेस में कोई भी कॉलेज जो है ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या एक पुराने वाली जो क्रिमिनल लॉज है CRPC और IPC आएंगी, एविडेंस आएगा, या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम BNS और BNSS आएगी, कौन सी आएगी। ये अभी कॉलेज वाले अपने आप से, तो ये भूल जाओ CCS के रिलेटेड कॉलेजेस अपने आप से ये वाली बात बताएंगे, अभी कोई नहीं बताने वाला है ये चीज़। बट हाँ, जो नई एक्ट्स आ गई हैं, जो हमारे नए कोड आ गए हैं, आपको वही पढ़ने हैं। मेजर प्रेफरेंस नए वालों को ही देनी है, ठीक है। और अगर ऐसा एग्जाम में फॉर 1% स्टिल, बिकॉज CCS से आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, अगर CCS ऐसा कुछ होता है कि एग्जाम में आपके पुराने वाले से क्वेश्चन मेंशन हो जाता है, तो सेफर साइड क्या करना है। देखिए, अगर उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है और किस CRPC से आंसर करना है या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से आंसर करना है, ये उसने लिखा ही नहीं है, ठीक है। सो यू आर फ्री, आप नई वाली से भी आंसर कर सकते हो, आप पुरानी वाली से भी आंसर कर सकते हो, वहाँ पे आप बच जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप जो सिख से भी आंसर करना है वो मेंशन कर देना अकॉर्डिंग टू सो एंड सो एक्ट। अब अगर ऐसा होता है कि वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कि इस एक्ट के हिसाब से बताओ, अब आपने दो पढ़ने के चक्कर में कॉन्सेप्ट, देखो सेम है दोनों के, कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं है और एविडेंस में तो बहुत कम चेंजेस है, खाली नंबर जो है सेक्शन का वो चेंज हुआ है। अगर मैं CRPC में देखूँ तो जो नई वाली में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है वो ही हुआ है बस, उसमें भी आधे सेक्शन सेम है, उसमें कुछ सेक्शन चेंज हुए हैं बस। तो आप क्या करो इन सब में, आप सेक्शन अगर नहीं भी रट पा रहे हैं, डू वन थिंग, अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए रखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बिना सेक्शन के आंसर राइटिंग करके आ जाओ। ऑब्वियसली एक बार ये एग्जाम्स हो जाते हैं उसके बाद तो हमारी पिक्चर क्लियर वहाँ पर हो ही जाएगी। सो आई होप मैंने आप लोगों की थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर कर दी। चलो थोड़ी नहीं, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर, वी आर सिटिंग हियर एट इनसाइट लॉ हेल्पिंग यू एट एवरी पॉइंट जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आती है। बाकी हमारी बहुत सारी वीडियोस के जो प्लेलिस्ट हैं, प्रीवियस वीडियोस सब्जेक्ट्स के जो प्लेलिस्ट थी वो भी कंप्लीट कर दी गई हैं। उसके साथ साथ अभी कल से जूरिस की वीडियो दोबारा जानी स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट ईयर का हमारे पास सोशोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा पॉलिटिकल साइंस की एक वीडियो बची है एंड दैट इज़ ऑल्सो रेडी टू बी अपलोडेड, वो उससे हमारा पॉलिटिकल साइंस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो धीरे धीरे हम सारे ही सब्जेक्ट्स की अपनी प्लेलिस्ट ख़त्म कर रहे हैं। उसमें अगर आप कोई भी चाहते हैं कि हम कोई भी प्लेलिस्ट पहले कंप्लीट करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रही बात जो मैंने आपसे कहा कि नोटिफिकेशन आ गई हैं, सर्कुलर्स आ गए हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी के साइट से अपलोड से जो भी आई हैं चीज़ें, जो भी सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस आई हैं वो हम आप शेयर करते हैं। तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइक करना मत भूलना एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।